हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं आप लोग के साथ एक हेयर कर्ल शेयर करने वाली हूँ। मुझे भी नहीं मालूम है कि ये कर्ल कैसा होगा, आई डोंट नो। तो मैं भी इसे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। लाइक मुझे वो पतले पतले कर्ल होते ना, उस टाइप का चाहिए। सो आई विल जस्ट ट्राई कि ये कैसे होगा। सीरम है और मैं इसे अच्छे से मेरे हेयर पे लगा लूँगी। मैंने पहले थोड़ा सा लगाया था बट फिर और एक बार लगाती हूँ बिकॉज इट्स वेरी वेरी ड्राई। माई हेयर इतना ड्राई है ना कि मुझे इतना ज़्यादा सीरम लगाना ही पड़ता है बिकॉज ऑफ द कलर, एंड आई लव कलर टू। सो मैंने सीरम लगा लिया है। अभी मैं लगाने वाली हूँ हेयर मोस। एक्चुअली ये स्प्रे भी है बट ये मूस का भी काम करता है, लाइक स्टे करता है, कर्ली हो या स्ट्रेट हो। तो एक्चुअली ये थोड़ा कर्ली के लिए है, स्ट्रेट में भी कर सकते हैं बट कर्ली में भी मैं यूज़ कर रही हूँ। सो ले तो मैं इस तरह से उसे स्प्रे कर दूँगी। इसे बाद में भी स्प्रे कर सकते हैं बट पहले स्प्रे करने से भी अच्छा होता है। तो मैंने लगा लिया है। अभी मैं इसे ब्रेड बनाऊंगी। सो वन बाय वन आई विल जस्ट मेक अ ब्रेड। सो मैंने इसे डिवाइड कर लिया है। अभी मैं इसे ब्रेड बनाऊंगी। सो आई जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम द फ्रंट। सो ये फ्रंट पे है। सो जैसे नॉर्मल ब्रेड्स बनाते हैं बस वैसे ही बनाना है। ये बस मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये कैसा दिखता है। आई डोंट नो ये स्टे होगा भी या नहीं, क्योंकि मेरा हेयर अभी पूरा गीला है। आई जस्ट वॉश माई हेयर। सो लेट्स सी, आई विश कर्ली हो, वो क्रीम जैसा दिखता है ना। सो आई वॉन्टेड दैट, लेट्स सी। इस तरह से ब्रेड मैं ये छोड़ दूंगी एक ही बार, मुझे बिकॉज उतना सारा रबर बैंड मेरे पास नहीं है। सो मैं एक एक करके लगाऊंगी। ये थोड़ा ठीक हो गया है। सो मैं इस तरीके से अपना पूरा हेयर ब्रेड्स बना लेती हूँ। और मैंने इस तरह से पूरा ब्रेड बना लिया है। अब इसके ऊपर मैं स्प्रे करूँगी। अभी मैं इसे कम से कम 4 से 5 घंटा तक छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि इसका कर्ली कैसे आया है।